माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि बिहार के हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज दिया जाए। बढ़ते महंगाई के कारण, लागत सामग्रियों के कारण खेती में किसानों को घाटा हो रहा है। सरकार से गुजारिश करूंगा कि जॉब कार्ड की तर्ज पर वो बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दें, ताकि उन्हें भी कृषि की हर सुविधा मिले और देश की खेती में उनका उत्साह बढ़े। कल लोकसभा में पहली बार आरजेडी से सांसद अभय कुशवाहा और माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने भाषण दिया, अपनी अपनी बातों को रखा, अध्यक्ष को बताया कि बिहार की क्या परेशानी है, उनके क्षेत्र की क्या परेशानी है। और ये दोनों नेता जब संसद में भाषण दे रहे थे तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान रह गए। अभय कुशवाहा ने सरकार से ये मांग की कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस के तहत जो स्पेशल पैकेज होता है वो सरकार हमारे राज्य बिहार को दे। इसके अलावा सुदामा प्रसाद ने जब पहली बार धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं, किसानों के लिए बेहतर से बेहतर काम सरकार को करनी चाहिए। जो 3 बार लॉकडाउन लगा, इसके अलावा कोविड के दौरान और कई ऐसे समय आए जब किसानों को बेहद ही ज्यादा क्षति हुई, और ऐसे में ऑनलाइन तरीके का जो काम है वो आगे बढ़ गया है और छोटे मोटे व्यापारियों को इससे बहुत परेशानी होने लगी है। सुदामा प्रसाद ने 3 नए कानून जो लाए गए हैं इस पर सरकार को फिर से विचार करने को कहा है। और ये दोनों नेता पहली बार अपने लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे तो इस दौरान दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। अभय कुशवाहा लालू प्रसाद यादव के बेहद खास हो चुके हैं। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद लोकसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव ने उतारा तो उन्होंने जीत भी हासिल की। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को आरजेडी का संसदीय दल का नेता बना दिया, और अब अभय कुशवाहा को जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो अभय कुशवाहा संसद के पटल पर अपनी बातों को रखते नजर आए हैं। आप सुनिए कि अभय कुशवाहा ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के की चर्चा में आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं महोदय। महोदय ने जो अभिभाषण दिया है जिसमें केवल कागजों में सरकार का बखान है, महोदय धरातल पर असलियत कुछ और ही है। महोदय मैं कहना चाहूंगा, अभिभाषण में भारत को विश्व का समाधान का देश बताया गया, जबकि यहां युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीब मजदूर सब परेशान हैं, किसान आत्मदाह कर रहे हैं। किसानों की आय दुगना करने की बात जुमला रही, हर पेपर लीक हो रही है महोदय, हमारे छात्र परेशान हैं। जीएसटी से छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे व्यापारी, मध्य व्यापारी परेशान हैं। पहले अपने देश की समस्या, जो विकट समस्या है ये अगर समाधान हो जाए सरकार के माध्यम से तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा। महोदय, महामहिम महोदया जी के अभिभाषण में बिहार राज्य का कोई जिक्र तक के नहीं है, जबकि बिहार की बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है। महोदय कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं। बिहार में रोजगार का अभाव है महोदय, जबकि बिहार राज्य में ऐसे संसाधन हैं जो रोजगार का सृजन कर सकते हैं, लेकिन न तो राज्य सरकार उस पर ध्यान दे रही है और न ही केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। सभापति महोदय, बेरोजगारी से हमारे युवा परेशान हैं, और महोदय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार
17 महीने चली तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयास से 5.5 लाख बिहार में युवाओं को नौकरी देने का काम किया गया था महोदय। और मैं बताना चाहूँगा, एक दिन में एक साथ 2,23,000 समथिंग कुछ युवाओं को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटने का काम बिहार में हुआ था महोदय, महागठबंधन की जब सरकार थी। माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि बिहार के हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज दिया जाए। हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी का ये बहुत पुराना मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बहुतों तरह का अभियान चलाए, हस्ताक्षर अभियान दिल्ली तक के यहाँ मार्च किए, तो मैं तो जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से महोदय कि अब देर किस बात की, अब तो आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है और आपके बदौलत सरकार है, इसलिए अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने में तनी सा भी देर नहीं लगना चाहिए। बिहार में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है महोदय, पीने के पानी के घोर किल्लत है। नल जल योजना जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई है, वो बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पानी का लेवल हमारे बिहार में और कुछ जिला जो औरंगाबाद पहाड़ी इलाका है, औरंगाबाद है, गया है, सासाराम है, लेवल करीब 200 से 300 फीट नीचे चला गया है। सरकार द्वारा पीने के पानी के लिए एवं सिंचाई हेतु जल संसाधन की नीति नहीं बनाई गई है। कोई नीति बनाती महोदय, जल है तो जीवन है और जल है तो जीवन है, और सिंचाई अगर होती है, हमारे किसान अगर खुशहाल होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश खुशहाल होगा महोदय। इसलिए हमारी आपसे आग्रह होगी कि जल संसाधन विभाग एक नीति बना करके सिंचाई के लिए और पेयजल की संकट के संकट को दूर करने के लिए एक नीति बना करके राज्य सरकार में निश्चित तौर पर उसको भेजने का काम करे। हमारा एक आग्रह होगा महोदय, बिहार राज्य एक तरफ बाढ़ का प्रकोप झेलता है तो दूसरी तरफ सुखाड़ का प्रकोप झेलता है महोदय। अगर दक्षिणी बिहार में बाढ़ पूरी तरह से त्राही मचाते रहती है, बहुत सारे जान माल का खतरा होता है, बहुत सारी बर्बादियां होती है, तो उसी तरह दूसरी तरह उत्तरी बिहार में एक तरफ सुखाड़ रहता है महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जो बाढ़ से त्राही माम होती है और प्रति वर्ष कई को हजार करोड़ का नुकसान होता है, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के एक नीति बना करके बाढ़ का समाधान और सुखाड़ का समाधान निश्चित तौर पर निकालने का काम करना चाहिए महोदय। हमारे के यहाँ कोई स्पीकर नहीं है महोदय, हमारा 8 मिनट टाइम है, हो गया 7 मिनट हो गया। अध्यक्ष महोदय, हम आग्रह करेंगे, हमारे बिहार में जातीय गन्ना हुई, महागठबंधन की जब सरकार बनी तो जातीय गन्ना कराकर और गन्ना के अनुरूप वहां पर लोगों को आरक्षण देने का काम महागठबंधन की सरकार ने की थी, लेकिन महोदय वहां पर हाई कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट करके उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, सरकार पुनः फिर गई है। हम आग्रह करेंगे इस सरकार से कि देश में जातीय जनगणना कराकर जातीय गन्ना के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था करे। देश और बिहार के युवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन करें, ये हमारी सुझाव होगी और हमारी एक आग्रह होगी महोदय। हम पहली बार बोल रहे हैं महोदय इस सदन में, पहली बार जीत करके हम आए हैं, हम आपका संरक्षण चाहेंगे महोदय। खत्म कीजिए अभी, एक मिनट। 10 वर्ष की बात न करके इमरजेंसी के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। हमें 10 वर्ष की जो आपने गारंटी दी थी बात, उसकी करनी चाहिए थी। 2014 में आप क्या बोल करके आए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा था, 15-15 लाख रुपया हरेक के खाते में देने की बात कही थी, किसान का आय आपने दुगना करने की बात कही थी,
इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए। बिहार और देश की जनता को एनडीए से भरोसा निश्चित तौर पर टूटा है महोदय। यही कारण है कि देश ने मोदी जी की गारंटी को नकारने का काम किया है और 370 सीट और 400 पार की जो बात एनडीए करती थी उसे 240 और 300 के नीचे ला करके खड़ा किया है। आपने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय बिहार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अभय कुशवाहा सरकार के सामने अपनी बातों को रखते आए। इसके अलावा आरा के सांसद सुदामा प्रसाद भी पहली बार संसद पहुंचे हैं। इस बार महागठबंधन ने पिछले बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और जब यहां से सांसद जीतकर संसद पहुंचे तो उन्होंने प्रमुखता से अपनी बातों को रखा है। सुदामा प्रसाद ने किसानों की बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि किसानों को बहुत परेशानी होती है, छोटे मोटे जो व्यापारी हैं वो भी बेहद ही ज्यादा परेशान है। इसके अलावा सरकार ने जो 3 नए कानून लागू किए हैं उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। आप सुनिए सुदामा प्रसाद इस दौरान क्या कुछ कहते नजर आए। ये भी कि मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने पार्टी महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य और भोजपुर की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चुन करके मुझे यहाँ लोकतंत्र के इस सबसे ऊंचे मंदिर में भेजा। महोदय, मैं धनबाद प्रस्ताव के खिलाफ मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सब लोग जान रहे हैं कि इस देश में खेती घाटे में जा रही है। बढ़ते महंगाई के कारण, लागत सामग्रियों के कारण खेती में किसानों को घाटा हो रहा है और जिन भूधारी किसानों के पास या भूस्वामियों के पास रोजगार का दूसरा विकल्प है वो खेती नहीं करना चाहते, वो अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं, मनी पर दे रहे हैं, पट्टे पर दे रहे हैं, तो घाटे की खेती का भार देश के बटाईदार किसानों ने अपने कंधों पर उठा रखा है, लेकिन उन्हें किसान नहीं समझा जा रहा है। जो कृषि बजट है हजारों करोड़ का, उसका लाभ उनको पहचान पत्र के अभाव में नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि जॉब कार्ड की तर्ज पर वो बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दें ताकि उन्हें भी कृषि की हर सुविधा मिले और देश की खेती में उनका उत्साह बढ़े। दूसरी बात कि हम लोग देख रहे हैं कि नोटबंदी के समय से, नोटबंदी और जीएसटी और जो 3-3 बार लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, और अभी जो एक ऑनलाइन व्यापार आ गया है, इससे देश के जो खुदरा व्यापारी हैं, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, छोटे मझोले व्यवसायी हों, सबका व्यापार पटरी से उतर गया है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि देश के खुदरा व्यापारियों की सामग्रिक विकास के लिए देश में व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाए। तीसरी बात महोदय कि अभी त्वरित न्याय और अपराध नियंत्रण के नाम पर जो 3 फौजदारी कानून बनाए गए हैं, मैं समझता हूं कि देश के संविधान में जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है, ये उसका सीधा सीधी उल्लंघन है। ये उल्लंघन ही नहीं है बल्कि देश में, देश को कहा जाए कि पुलिस राज में तब्दील करने का एक तरह से षड्यंत्र है और पुलिस को अस्थायी तौर पर कहा जाए कि संस्थागत रूप से आपातकाल लगाने की कहा जाए कि छूट दी गई है। अब कोई धरना प्रदर्शन करेगा, भूख हड़ताल करेगा तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है और अपराधियों की तरह उनको भी सजा मिलेगी। मैं समझता हूँ अब जो है कि ये माने थानेदारों के विवेक पर इस बात को छोड़ दिया गया कि वो FIR करेंगे कि नहीं करेंगे। थानों में जो डिटेंशन की अवधि थी 15 दिन, उसको बढ़ाकर 60 दिन से 90 दिन कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसे तो आप आरोपी से कुछ भी उगलवा सकते हैं प्रताड़ित करके। इसलिए इस कानून को फिर से सदन के पटल पर रखा जाए, इस पर पुनर्विचार हो और जो है माने कहा जाए कि इसको माने जो जरूरी राय सुझाव आए उसके आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाए। और हमारे यहाँ खेती जो है सोन नहरों के आधार पर होती है। जिले के दक्षिणी इलाके में सोन नहरें हैं जो करीब 150 साल पुरानी हो गई हैं
उन नहरों का पक्कीकरण करवाया जाए और बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में हमारे यहाँ सोन नदी में कदवन जलाशय अटका हुआ है, इसके लिए सरकार पहल करके उस कदवन जलाशय योजना को पूरा कराए। हमारे यहाँ जिले के दक्षिण उत्तरी इलाके में सर गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे जो गांव बसे हैं हर हमेशा उनमें कटाव होता है, तो कटाव के रोकथाम के लिए ठोकर बांध का निर्माण किया जाए और भयानक आगलगी होती है, पंचायत लेवल पर फायर ब्रिगेड गाड़ियों का इंतजाम किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूँ और जो है आपको ये जो सहारा इंडिया में हमारे यहाँ तो सर जी आप बस खत्म कर रहे हैं सर, सहारा इंडिया में गरीबों का भारी पैसा फंसा हुआ, लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए शादी विवाह के लिए, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम पैसा दिलवाएंगे, तो सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है उसको सर वापस दिलवाया जाए, गरीब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।